अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इटालियन लैंग्वेज आ उनो का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने शुरू किया हुआ था और मैं बाज़ वीडियोस देने के बाद, कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद मैंने रोक दिया था काम। वो मैंने क्यों रोका था वो आपको मैंने बताया हुआ था कि मैं ख़ुद चीकू ची जो मिर्ची है ट्रांसपोर्ट के लिए वो कर रहा था। तो खुशी की बात यह है कि पिछले ही कुछ दिन गुज़र चुके हैं, मैंने इम्तहान दिया था तो मैं पास हुआ हूं। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से डिसाइड किया है कि दोबारा से इटालियन लैंग्वेज के जो लेसन्स हैं और पतंते के, ये शुरू करें। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तभी तो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, दोबारा से मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको स्टडी किस चीज़ की करवाने वाला हूँ। जैसा कि कुछ लेक्चर जब हमने स्टार्ट किए थे तो उनमें मैंने आपको लेटर्स जो हैं ची ला लेतरा जी या फिर वर्ब्स के बारे में बताया था, लेकिन एक दो लेसन मैंने आपको ऐसे भी दिए थे जिनमें कह लें कि मैंने आपको पैराज दिए थे। इस तरह के जो पैराज हैं उनकी मैंने आपको ट्रांसलेशन दी थी, कैसे फ़िक्रे को बोलते हैं, और बाज़ यानी कि जब हम पैरा मुकम्मल कर लेते थे उसके बाद एक दो तो नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी उन्हीं पैरों में से हम हल करते थे। तो आज की ये वीडियो भी, आज का ये लेसन भी इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो जी शुरू करते हैं। आज के लेसन का नाम है के लवोरो फाई। के लवोरो फाई, क्या काम करते हो। के का मतलब है क्या, यानी कि एक लफ्ज़ है के, ठीक है। ये जो के है ना, ये जैसे जैसे आप अपना फ़िक्रा बोलते हैं उस फ़िक्रे के हिसाब से, यानी कि ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसे फ़िक्रात भी हैं जहाँ पर के जो है इसकी जो मीनिंग है वो बनती है जो, ठीक है। या फिर बाज़ अवकात जैसे यहाँ पर जो के लिखा हुआ है इसमें के का जो मतलब है क्या। तो अब यहाँ पर के क्या, लवोरो काम, फाई, फाई जो है ये निकला है वेरबो फारे से। फारे का मतलब है करना। तो क्या हुआ, के लवोरो फाई, क्या काम करते हो। आज की टॉपिक का ये नाम है जी, क्या करते हो। इल लवोरो काम, इल आपको पता है कि एक आर्टिकल है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्टिकल्स कहाँ पर लगते हैं और कब लगते हैं। इसकी जो वीडियो है मुकम्मल, वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकेंगे। इल लवोरो काम, दी का मतलब यहाँ पर होगा का। इल लवोरो काम दी का लीपिंग, लीपिंग का काम, लीपिंग एक चाइनीज़ है, इसका काम, यानी कि लीपिंग क्या काम करता है। ये आपके सामने जो बंदा है ये लीपिंग है जी। लीपिंग क्या कहता है, लीपिंग कहता है ईयो में लवोरो काम करता हूँ। अच्छा, लवोरो जो है ना ये एक वर्ब है, लावो रा रे, आरे के साथ ख़त्म होने वाली ये वर्ब है लवोरारे। लवोरारे का मतलब है काम करना, ठीक है जी, काम करना। मैं काम करता हूँ इयो लवोरो, तुम काम करते हो, ओ को ख़त्म करके ई लगा देंगे। ये काम करता है तो ई को ख़त्म करके ए लगा देंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। इयो में लवोरो काम करता हूँ, इन में उन एक रेस्ट रेस्टोरेंटे एक रेस्टोरेंट में, कह लें कि उर्दू में अगर इसको बताया जाए तो एक पंजाबी में ढाबा भी बोल सकते हैं जहां पर खाना वगैरह खाते हैं। तो ईओ लवोरो, अब मेरे जहन में उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, अगर आपके जहन में कोई है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें ताकि मज़ीद आने वाले लेसन में मैं वो इस्तेमाल कर सकूँ। ईओ में लवोरो काम, इन उन रेस्टोरेंटे एक रेस्टोरेंट में, इयो लवोरो मैं काम करता हूँ इन उन एक रेस्टोरेंटे रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ क्या कहता है कि इयो लवोरो मैं काम करता हूँ इन उन रेस्टोरेंटे एक रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट कौन सा है, चाइनीज़। आ का मतलब है ये, यानी कि फ़िक्रा होता है ना, एक फ़िक्रा, उसमें आप जहाँ पर ये आ लिखा हुआ है और उसके आगे एक नाम लिखा हुआ है पेजारो, एक शहर का नाम है। कहते हैं कि इयो लवोरो इन उन रेस्टोरेंटे में, एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, वो रेस्टोरेंट है चाइनीज़। आ पिजारो, वो पिजारो शहर में है। आ का मतलब है यानी कि
टू इस्लामाबाद, जैसे हम कहते हैं ना, या फिर इन इस्लामाबाद या फिर एट इस्लामाबाद, तो इस लिहाज से आ, ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये जो एट है, इन है इंग्लिश में, जिसको आप बोलते हैं। अच्छा, उर्दू की बात करें तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो अब मैं जो आया है दरमियान में, उसको डिफ़ाइन करने के लिए आप इटालियन में आ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो इस्लामाबाद है, ठीक है, वो इस्लामाबाद है। इस इस्लामाबाद और है के दरमियान जो जोड़ता है उसको आप आ कहेंगे। आगे उसने एड्रेस बताया है, इन, ठीक है, इन में या फिर अंदर, विया रोसिनी, विया रोसिनी के अंदर, फाचो करता हूँ इल कामेरियेरे, कामेरियेरे बोलते हैं वेटर, यानी कि होटल के ऊपर या बार्स वगैरह के ऊपर आपने देखा हुआ होगा कि जो बंदे खाना सर्व करते हैं उनको आप बोलते हैं कामेरियेरे, यानी कि वर्कर जो होटल के अंदर वेटर्स होते हैं उनको कामेरियेरे बोलते हैं। क्या कहता है कि यो लवोरो इन उन रेस्टोरेंटे चीनेजे, मैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, आप पेजारो, पेजारो में, इन विया रोसिनी, रोसिनी यानी कि विया, विया बोलते हैं गली, रोसिनी, रोसिनी उस गली का नाम है। कहते हैं कि रोसिनी गली में, फाचो इल कामेरियेरे, और मैं वेटर हूँ, लवोरो काम करता हूँ, तूती तमाम ई जोरनी दिनों में, दले, अच्छा दले का मतलब है से, दिए ची दस से, अले क्वतोर्दिची 14-2 को बोलते हैं, यानी कि ये 13-12 के बाद 13 उसको बोलते हैं 1-14-2 15-3। अब क्या कहता है कि लवोरो तूती ई जोरनी, लवोरो काम करता हूँ, तूती तमाम ई जोरनी दिनों में, दले, दले का मतलब है से, दिए ची दस से लेकर अले क्वा तोर्दिची 2 बजे तक, अले का मतलब है तक, ठीक है, जैसे दले इसको बोलते हैं से, आले तक, क्वा तोर्दिची यानी कि 2 बजे तक, ए और दले दिचा सेते यानी कि शाम के 5 बजे से लेकर आले वेंती त्रे और रात के 11 बजे तक। कहता है कि लवरो तूती जोरनी में तमाम दिनों में काम करता हूँ, दले 10 से लेकर क्वा तोर्दिची 2 बजे तक, दले दिचा सेते 5 से लेकर आले वेंती त्रे यानी कि रात के 11 बजे तक। ठीक है जी, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट कहता है इल लूने दी, लूने दी को यानी कि लूने दी बोलते हैं सोमवार के दिन, मंडे, इल लूने दी पोमेरिजो, लूने दी बोलते हैं सोमवार, मंडे पोमेरिजो बोलते हैं शाम। कहते हैं कि सोमवार को शाम में सोनो लीबेरो में फ्री होता हूँ, सोनो बोलते हैं हूँ, लीबेरो फ्री। अच्छा, अब आपको ये जहन में आना चाहिए कि मैंने जब बोला है सोनो लीबेरो तो मैंने ये कैसे कह दिया कि मैं फ्री हूँ, क्योंकि सोनो का मतलब है फ्री, ए सोनो का मतलब है हूँ, लीबेरो यहाँ पर, तो मैंने जो लफ्ज़ बोले हैं ये 2 हैं, ये तीसरा कहाँ से आया है कि, अच्छा जैसे देखें ना, मैं फ्री हूँ या मैं फारिग हूँ, तो सोनो तो हो गया ये वाला हूँ और लीबेरो ये फ्री को बोलते हैं, तो मैं जो है मैं फ्री हूँ ये कहाँ से मैंने उठाया है जी, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये वर्ब थी लीबेरो, लीबेरो को जब आप मुकम्मल वर्ब देखें तो ये क्या होता है, ली बे रा रे, ठीक है, ये ख़त्म होती है आरे के साथ, इयो ली बे रो। अब लीबेरो जब आ गया है ना, तो ये आपको डिफ़ाइन कर रहा है कि ये अपने लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए, सिंगल फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर अगर ईओ नहीं भी ना लगा हुआ साथ में, तब भी आप इसको ईओ के ही यानी कि मैं के अल्फाज में ही समझेंगे, क्योंकि एंड के ऊपर ओ है। अगर इसके एंड के ऊपर यानी कि ई होता तो फिर क्या होता था, उसको आप सेकंड जो है वो सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पर ईओ, सॉरी, इल लूने दी पोमेरिजो, सोमवार शाम को यानी कि सोमवार के दिन शाम को सोनो लीबेरो में फ्री हूँ, मी प्याचे, मी मुझे प्याचे पसंद है, मोल तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत, लोरारियो टाइम, लोरारियो बोलते हैं टाइम टेबल। कहता है कि मी प्याचे मुझे पसंद है, मोल तो बहुत ज़्यादा, लोरारियो टाइम टेबल दी लवोरो काम का, फिर के क्योंकि, लमतीना
सुबह के वक़्त दोरमो सोता हूँ, फिनो तक अले नोवे 9 बजे तक, ए और ला सेरा दोपो इल्ला वोरो, ला सेरा शाम के वक़्त, दोपो बाद में, इल्ला वोरो काम के। अच्छा क्या कहता है कि मी प्याच, मुझे यानी कि ना टाइम टेबल जो है काम का ये पसंद है, मी प्याचे मोलतो लोरारियो दिला वोरो, मुझे टाइम टेबल, मुझे काम का टाइम टेबल बहुत पसंद है। आगे कहता है कि फिर के क्योंकि सुबह ला मतीना दोरमो, सुबह सोता हूँ 9 बजे तक, फिनोले नोवे 9 बजे तक, एला सवेरा और रात को भी, यानी कि शाम को भी, यानी कि जिसको आप सुपहर बोलते हैं, दोपहर होता है 12 बजे से लेकर यानी कि 1 बजे या 2 बजे, और 2 से यानी कि इसके बाद जो टाइम होता है उसको आप बोलते हैं पोमेरिजो, सॉरी उसको आप बोलते हैं सेरा, यानी कि शाम का वक़्त सुपहर। तो क्या कहता है कि मैं सुबह 9 बजे तक सोता हूँ, फिर आगे कहता है और शाम के वक़्त भी सोता हूँ, दो पोइला वो काम के बाद, यानी कि वो काम के बाद कब, 2 बजे के बाद बाद, यानी कि जब 10 बजे वो शुरू करता है, 2 बजे काम ख़त्म करता है, तो 2 से लेकर वो उसको जब उसने 5 बजे शुरू करना है तो 2 से लेकर वो 4 बजे तक सो सकता है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वादो जाता हूँ अलबार, अलबार अलबार कह रहा है कि एक कैफेटेरिया जहाँ पर आपको कफ़े वगैरह मिलती है, जिसको आप, जहाँ पर आप नाश्ता करने के लिए जाते हैं, जिसको आप इटालियन में कोलाचियोने बोलते हैं, नाश्ते को आप इटालियन में क्या बोलते हैं, कोलाचियोने। कहता है कि वादो अलबार, मैं बार पर जाता हूँ, कौन लिया मीची, कौन बोलते हैं साथ, लिया मीची दोस्तों के, अब ली यहाँ पर एक इसको क्या बोलेंगे आर्टिकल है, अमीची के साथ ली आएगा। तो क्या कहता है, कहता है कि वादो अलबार, मैं बार पर जाता हूँ, कौन लिया मीची दोस्तों के साथ, जब एक दोस्त होगा तो आप उसको अमीको बोलेंगे, लेकिन ये ज़्यादा दोस्त हैं तो आप कहेंगे कौन लिया मीची दोस्तों के साथ। फिर आगे कहता है आ बोलते कभी कबार इल मियो लवोरो, मेरा काम, इल मियो मेरा, लवोरो काम, मोल तो टेम्पो बहुत सारा, यानी कि बहुत ज़्यादा वक़्त, कौन ले पर सोने बंदों के साथ, ए पार्लो और बात करता हूँ इन इटालियानो, इटालियन में। क्या यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, कहता है कि आ बोलते कभी कभार जो मेरा काम है, इल्ला वो इल्मियो लवोरो, मेरा काम है, मोल तो टेम्पो ज़्यादा देर तक उन बंदों के साथ है, जो ए पार्ला पार्लो इटालियानो, यानी कि बहुत सारे, कहता है कि लोगों के साथ मेरा काम होता है बाज़ुकात, और इटालियन बोलता हूँ, ए पार्लो और मैं बोलता हूँ इन इटालियानो, इटालियन में। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट फिक्रा है, मी प्याचे, मुझे पसंद है लवोरारे काम करना। अब देखिए यहाँ पर उसने पूरी वर्ब इस्तेमाल की है लवोरारे काम करना, इन इटालिया, मी प्याचे मुझे पसंद है लवोरारे काम करना इन इटालिया, इटली में, इटली कंट्री की बात हो रही है अब, इन इटालिया इटली में, पेर के क्योंकि ग्वादानियो, अच्छा ग्वादानियो का मतलब है यहाँ पर इनकम, इनकम या आमदनी। कहता है कि मुझे मी प्याचे लवोरारे इन इटालिया, मुझे इटली में काम करना पसंद है, पेर के क्योंकि ग्वादानियो आमदनी दी प्यू ज़्यादा है, दी प्यू, हमेशा जब भी आपने प्यू यानी कि ज़्यादा का बोलना है तो आप साथ में दी प्यू यानी कि दी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, अकेला प्यू ये कोई ख़ास यानी कि इसकी वैल्यू नहीं है, आपने हमेशा जब भी बोलना है ज़्यादा तो आप क्या कहेंगे, यानी कि आपने बोलना है कि आप एक चीज़ को ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई बंदा पानी देता है तो वो आपसे पूछता है कि अते तिब्बास्ता, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, तिब्बास्ता ये तुम्हारे लिए बहुत है या तुम्हारे लिए काफ़ी है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, नो दी प्यू, मज़ीद यानी कि मुझे और दो, दी प्यू, आप हमेशा जब ज़्यादा की बात करेंगे तो साथ में आपने दी का इस्तेमाल लाजमी करना है। अच्छा क्या कह रहा था वो, वो कहता है कि मुझे इटली में काम करना पसंद है, पेर के ग्वादानियो दी प्यू, मुझे यहाँ पर आमदनी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर प्रॉफिट या फिर सैलरी ज़्यादा है। आगे कहता है क्वाजी तकरीबन, क्वाजी बोलते हैं तकरीबन, सेते चैंतो यूरो 700 यूरोज, अल मेज़े एक महीने में, ए और सोनो इन रेगुला और मैं कानूनी तौर पर काम करता हूँ, यानी कि रेगुलेट, रेगुलेटरी यानी कि अपना उसका टैक्स वगैरह भी जाता है। कहता है कि क्वाजी सेते चैंतो यूरो तकरीबन 700
100 यूरो हर महीने के, और सुनो इन रेगुलर और में रेगुलेटरी तौर पर, यानी कि उसका टैक्स वगैरह भी जाता है, वो रेगुलर वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम कर रहा है, जो बंदा यानी कि नेरो काम नहीं करता, नेरो बोलते हैं ब्लैक ब्लैक वर्क है, जो अकाउंट यानी कि गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो नेरो काम करता है और वो नेरो ही पैसे लेता है, यानी कि ब्लैक मनी लेता है, उसको आप बोलते हैं नेरो। तो लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि सोनो इन रेगुलर, यानी कि मैं लीगल, सोनो इन रेगुलर मैं लीगल हूँ, यानी कि लीगल काम करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका ये पैराग्राफ मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर नीचे जो इसी जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है, इसी में से कुछ आ बी सी डी क्विज हैं जो हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स करने हैं। सबसे पहले नंबर पर जो क्विज़ है, इसमें जो सवाल है कहता है कि के लावोरोफा, यानी कि लिपिंग के बारे में बात हो रही है ना, वो कहता है कि के लावोरोफा लिपिंग क्या काम करता है। लिपिंग काम ये करता है लावोरा इन उन रेस्टोरेंटे चीनेजे इल कामेरियेरे, यहाँ पर हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि लावोरोफा, आपने स्पेसिफिक बताना है कि वो क्या काम करता है, वो काम क्या करता था, सिर्फ ये इल कामेरियेरे, वो एक वेटर है, ये जो है इल लावोरो इन उन रेस्टोरेंटे चीनेजे, ये वो अपना पता बता रहा है कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो वर्क वो काम जो करता है वो सिर्फ ये है इल कामेरियेरे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, के लावोरोफा का मे रियेरे, लिपिंग कामेरियेरे है। आगे कहता है दो वेला वोरा, अब दो वेला वोरा लव, उसने कहा था कि यू लावोरो इन उन रेस्टोरेंटे चीनेजे आप पेजारो, सिर्फ ये आपने चीज़ लिखनी है, इन उन रेस्टोरेंटे चीनेजे आप पेजारो, अगर आप ये भी लिख दें इन वी आर ओ सीनी तो ये भी बेहतर है, लेकिन ये जो है ना मेरे ख्याल में काफ़ी है, इन उन रेस्टोरेंटे चीनेजे आप पेजारो, दो वे लावोरा इन उन रेस्टोरेंटे चीनेजे आ पेजारो। आगे क्या कहता है कि ओरारियोफा, वो किस टाइम काम करता है, उसने क्या बताया था, लावोरो तूती ई जोरनी, क्या उसने कहा था, यहाँ पर इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं जी, उसने कहा था लावोरो काम करता हूँ तूती ई जोरनी तमाम दिन दले 10 से लेकर 14 यानी कि 2 बजे तक, फिर उसने कहा था 17:05 से लेकर 23 रात के 11 बजे तक। अच्छा, हम यहाँ पर लिखेंगे के ओरारियो फा, वो क्या, वो उसकी शिफ्ट क्या है, वो टाइम टेबल क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे दाले दिएची अले क्वातोर दिची ए दाले दिशा सेते फीनो 23 फिनो अल 23 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम थी तो मैंने फिनो सिर्फ लिखा है। क्या कहता है कि 10 से लेकर 2 बजे तक, फिर 5 से लेकर 11 बजे तक, फिर उसने क्या कहा है कि कोमे ए इलावोरो, काम कैसा है, कोमे कैसा ए है इलावोरो, अब जैसे कि उसने इकट्ठा लिख दिया ना कोमे, तो दरअसल ये जो कोमे ये एक लफ्ज़ है, कोमे कैसा, ए का मतलब है, लेकिन उसने जब इकट्ठा लिखा है, जब हम भी लिखेंगे तो हम भी यही लिखेंगे कोम ए, इस ई के ऊपर एक वोस्ट्रोफो लगाकर कोम ए कैसा है, ठीक है जी। तो उसने कहा है कि काम कैसा है, काम उसने यहाँ पर क्या कहा था, मी प्याचे इलावोरो, यानी कि मी प्याचे मोल तो ओरारियो दी लावोरो पेर के लामातीना फिनो वाले नोवे ए असेरा दोरमो वादो अलबार, यानी कि उसको काम पसंद है, कोम ए इलावोरो। अब यहाँ पर उसने कोई ख़ास यानी कि मी प्याचे लावोरारे या फिर यहाँ पर उसने कुछ ख़ास वर्डिंग नहीं दी कि वो काम कैसा है, ठीक है, कोम ए इलावोरो काम कैसा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अबस्तानजा बैने, क्योंकि हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उसने कोई ख़ास वर्डिंग, इसने यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा हुआ कि मुझे काम किस तरह का लगता है, तो उसने जब भी इस्तेमाल किए लफ्ज़ वो कहता है कि मी प्याचे मोल तो मी प्याचे लवरारे,
क्योंकि उसका जो आमदनी है वो ज़्यादा है, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसको काम पसंद है। या फिर अगर आप पूरी ये भारत लिखना चाहें, यहाँ से लेकर ये 700 यूरो उसकी मंथली इनकम है, उसकी इनकम ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, क्योंकि आप क्विज़ देखें ये छोटा सा है। अच्छा, काफ़ी लोग ना मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर जो आप लेक्चर यहाँ पर बता रहे हैं ये कहाँ से आते हैं, यानी कि ये वाकई उनों की यूबुक है वहाँ से है या फिर आप किसी और से, यानी कि दरअसल उनके कहने का मकसद ये होता है कि जो हम उनों का या दुए का कोर्स करेंगे ये वाकई वही कोर्स है। तो बिल्कुल ये वही कोर्स है, आप अगर स्कूल में जाते हैं किसी जगह पर इंस्टीट्यूट में जो लैंग्वेज का कोर्स कराते हैं वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आप उनसे कहें कि हमें एक बुक चाहिए, तो वो आपको बुक कौन सी देते हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। यह हम ऊपर चलते हैं ना, ये देखें, ये आपके सामने एक बुक अभी मैं शो करने लगा हूँ, ये देखें जी, इस बुक का नाम है फाचिले फाचिले, ये आपके सामने है। आपको वो ये वाली बुक देंगे आउनो वाली लीवेली प्रिंसिपियन दी, इस बुक के अंदर से ही जो आपका टेस्ट होगा आउनो का वो आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो जितने भी लैंग्वेज सिखाने वाले कोर्स स्कूल्स हैं वो सिर्फ इसी बुक का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा बहुत कम स्कूल होते हैं, अभी फ़िलहाल यही बुक चल रही है। तो ये देखें, अगर आपको ये बुक चाहिए तो नीचे लिंक मैं दे दूँगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारी वेबसाइट से जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना खास ख्याल रखिएगा।